आपको शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू आवर टीम, हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, डायरेक्टर्स को और जिन पे इस फिल्म की सक्सेस का असर पड़ता है उनको बहुत बहुत बधाई। बहुत सारे बेचारे ऐसे लोग भी होते हैं फिल्म में जो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता फिल्म चले ना चले, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको फिल्म सक्सेस होने पर उनको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मैं पूरी टीम को, ऑडियंस को, प्रोड्यूसर्स को, सबको बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। यार मेरा, हाँ मेरा अभी, हाँ हाँ मतलब ये थोड़ा सा लगा आज, ठीक लगा दिखने में, वैल नहीं आई। या सर, एवरीबडीज लाइफ इज़ रेयर। सी नाउ आई डोंट नो वेदर यू विल एंजॉय दिस और नॉट। थिंग इज, वी आर हियर फॉर एन एक्सपीरियंस, वी हैव लिमिटेड टाइम ऑन दिस प्लैनेट, सो यू नो अनलेस अंटिल यू enjoy that. Great sir, great sir. Somebody wrote, a critic wrote, movie has balls and long legs, and when the movie proves that, you feel great. It's a good film, you know, sir. तो ये सब टीम है सर, इन्होंने करवाया। जी सो इसलिए सर मैं ये कह रहा था कि हमारी लाइफ, सबकी लाइफ रेयर है, उसको जितना आप मज़ेदार एक्सपीरियंस बना सकते हैं अपनी तरफ से, productive, good for other people as well, and you know, if you can flourish, and that's what it means, I think. जी यह मैं कई बार प्रोड्यूसर्स को कहता हूँ कि यू नो मेरी मार्केटिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू नो ऑडियंस और मीडिया जो है वो बड़ी मार्केटिंग करता है हमारी। जब फिल्म को पसंद आती है तो वो खुद बोलते हैं, वो खुद लव लेटर्स लिखते हैं, जिससे इस फिल्म के लिए लोगों ने रिव्यू नहीं लिखे हैं, लव लेटर्स लिखे हैं, और ऐसे ही ऑडियंस जो है वो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से उसको चला देती है। अब हमारा, मुझे कभी नहीं पता था कि ज़्यादातर मेरी फिल्मों का, जो फिल्में अच्छी लगती हैं लोगों को, उनका फ्राइडे से बड़ा मंडे होता है। ये कैसे होने लग गया मुझे पता नहीं, मैं कोई मार्केटिंग को रीडिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बट ये ऐसे होने लग गया। अब हमारा पिछले फ्राइडे से ये फ्राइडे ज़्यादा बड़ा है, ऐसा रेयरली होता है। सो दिस इज़ ग्रेट फीलिंग, यू नो दिस इज़ साइन कि ऑडियंस इसको, इसकी मार्केटिंग कर रही है, हम नहीं कर रहे, जितनी करनी थी हमने कर दी। हाँ इस फिल्म में मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ। हाँ हाँ, मतलब जो कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं, आपको जिन पे भरोसा होता है कहानियों पे, जो लगता है कि लोगों को पसंद आएंगी, जो लगता है कि लोग ये पैसा रिकवर करके देंगी, ऐसी कहानियों में आप यू नो अपना कन्विक्शन डालना चाहेंगे। एक जी के साथ फिल्म है, टी सीरीज के साथ एक और फिल्म है जो कल ही मैंने ख़त्म की, कल लास्ट डे था मेरा शूट का, तो मैं प्रमोशन नहीं कर पा रहा था इस फिल्म का, उनकी फिल्म ख़त्म कर रहा था, तो टी सीरीज के साथ है, जी के साथ है। टी सीरीज का वाली फिल्म का नाम अभी तय हो रहा है, अभी वो टाइटल तय नहीं हुआ, उसका फाइनल नहीं हुआ। जी की भी फिल्म शूट हो गई, उसका एक गाना बाकी। हाँ बहुत, हाँ यार उनका, उन पर मेरा कोई कब्जा नहीं है, उनका अपना डिसीजन है, यू नो, और मैं उन पर भरोसा करता हूँ, आई ट्रस्ट देम कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो अपने लिए लेंगे। मेरा सिर्फ उनको कहना इतना ही है कि पैशन को फॉलो करो, एंड देन यू नो चीज़ें अपने आप फॉलो हो जाएंगी बाकी, कि सबसे पहले ध्येय जो है वो पैसा ना हो, पैशन हो, आप जिस चीज़ को पसंद करते हो, जिस काम को पसंद करते हो, आप वो काम करो, बाकी चीज़ें अपने आप फॉल इन प्लेस। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहता, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। शुरू में जब रिलीज हो रही थी तब बात हुई थी, उसके बाद नहीं हो पाई मेरी बात। आपको कोई पैगाम है उनको पहुंचाना है? नहीं, हाँ,
जी मैं पहुँच हाँ जी लोगों ने बहुत पसंद किया, ऑडियंस ने बहुत पसंद किया उन्हें एज ए हीरोइन, एज ए मदर, एज अ यू नो हाउसवाइफ, एज अ कॉमिक एक्ट्रेस. यस, बहुत प्यार मिला उनको. मैं खुद मेहमान हूँ, मुझे पता नहीं यार. मैंने मेरी तरफ से बहुत लोग इनवाइटेड नहीं है, जस्ट सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. मैं देखूंगा कौन आया है. अरवी सर जी, तुम्हें कितना 45 मिनट का प्रोग्राम करना होता है कि पूरा 45 मिनट का एपिसोड बनाना होता है? अरे क्या बात कर रहे हैं. ठीक ठीक, बिल्कुल. कंगना फैंटास्टिक एक्टर हैं, मैं वेट कर रहा हूँ. मैंने सुना है कि वो डायरेक्टर बनने वाली हैं, मैं वेट कर रहा हूँ. मुझे एक्टर कास्ट करेंगी नहीं करेंगी, और मैं बहुत बहुत पसंद है मुझे एज एन एक्टर. उन्होंने जिस तरह से अपनी जगह बनाई है, बहुत कमाल का काम किया है. और वो यू नो एक नायाब ही किस्म का उन्होंने अपना एक कुछ अपना ग्राफ बनाया है उन्होंने. मेडिटेशन का मंथ होता है, यू नो जो लोग दिल से करें, ये आपकी धुलाई का वक्त होता है, आपकी सफाई का वक्त होता है, आत्मा की, शरीर की, सबकी. तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई कि वो सक्सेसफुली करें. जो भी इसको महीना भर अगर इस मेडिटेशन में जो लोग जाएंगे, मेरी उनके लिए शुभकामनाएं. बहुत मैडॉक की ही फिल्म है, और मैडॉक ने ही मुझे मौका नहीं दिया अभी फिल्म देखने का. मैं राब्ता की प्रमोशन में लगी हुई हूँ, बट मैंने बहुत सुना है, और मैंने ट्रेलर और गाने जब देखे थे तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे. आई रिमेंबर टेलिंग डीनू स्पेशली कि बहुत अलग और बहुत एंटरटेनिंग सी लग रही है ये फिल्म. एंड जैसे ही मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, मैं देख के आऊँगी. एंड आई एम सो हैप्पी दैट इट्स डूइंग रियली वेल. फर्स्टली आई डोंट नो व्हाट द स्टोरी इज, so it obviously depends on the story, but I'm sure that it's great content. And yeah, if someone like an Irfan Khan is a part of the film, it has to be great content, so I would love to do it. We can see Ramta ka promotion back to back kaafi sara ho raha hai, baaki filmein bhi aapne kiye, lekin itna promotion kabhi dekha nahi tha promo mein. Really? Kahin dekha nahi tha, aapko Sushant milke Ramta ka promotion. So anything special about this promotion? नहीं यार, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. आई थिंक हर फिल्म में इतना ही प्रमोशन होता है. मुझे याद है दिलवाले और हीरोबंदी के टाइम पे भी हम लोग बैक टू बैक कर रहे थे. बस यही है कि अभी फिल्म जो है वो पास आ रही है, और धड़कनें थोड़ी बढ़ रही हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म का राब्ता जितनी ऑडियंस से हो सकता है उतना हो. तो बस वी जस्ट ट्राइंग टू स्प्रेड लव. आप मुझसे पूछ रहे हैं, बता रहे हो? वो इनफैक्ट आई जस्ट मेट हिम एट अ पार्टी. ही इज रियली एप्ट फॉर इट. वो बिल्कुल वो जो पोस्टर उसका आया था, वो बिल्कुल हूबहू लग रहे हैं रैम्बो की तरह ही. एंड आई कंग्रेचुलेटेड हिम एंड आई सेड कि ही वुड रियली लुकिंग लाइक द पार्ट. सो ही वाज लाइक, है ना? हाँ जी जी जी. It was very good. It was great catching up with everyone. I think ऐसी कोई पार्टी होती है तो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जिनसे हम बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, उनसे मिलना हो जाता है. तो और प्रमोशन के बीच में अगर चल रहा हो तो खुद भी थोड़ा सा लाइट माइंडेड, लाइट हार्टेड हो जाते हो. Why are you following me everywhere, man? The first question, are you looking taller to me? Good evening. जी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें लगता है कि एक अच्छी फिल्म बनाई है, पूरी मेहनत से बनाई है. अब यही कर सकते हैं, जितना भी टैलेंट है उसको यूज़ करके पूरी मेहनत से एक फिल्म बनाई. तो बस बताना चाहते हैं सबको कि हमने इतनी मेहनत करी और 9 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है. और एक्चुअली ये फिल्म ऐसी है जो हम दोनों एंड डीनू बहुत
ज़्यादा ऑलमोस्ट ऑब्सेस रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज रही है हमारे दिल से. एंड डेढ़ दो साल हो गया इसके लिए, तो और भी टाइम हो गया. इट्स बीन द आई थिंक इट्स बीन लाइक 2.5 इयर्स दैट आई हैव स्टेड विद द स्क्रिप्ट एंड आई एक्चुअली एब्सोल्युटली लव द स्क्रिप्ट. सो जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया लगा और बहुत मज़ा आता है जब एक अच्छी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा करती है. इरफान खान मेरे फेवरेट एक्टर, और जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, दीपक ने काम किया है, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और ख़ास करके इस टाइप की फिल्में ऐसे इश्यूज़ को जो कि हमारे देश में बहुत अच्छे से प्रेविलेंट है लेकिन हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, तो इतने एंटरटेनिंग वे से वो फिल्म बनाना, आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर. जी इट्स अ वेरी गुड साइन. मुझे हमेशा से लगता है कि एक ही दिन में अगर 3-4 फिल्में भी रिलीज़ हों और 3-4 फिल्में अच्छी कहानी हो तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो देखना चाहते हैं, तो सारी फिल्में अच्छी कर सकते हैं. इट ऑलवेज फील्स गुड एक्चुअली जब कोई अच्छी फिल्म जो है वो अच्छा करती है और ऑडियंस जो है वो जाकर हमारे काम को देखते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है. कितनी है मतलब काउंट भी नहीं हो पा रही है कितनी है पता नहीं. बड़ी आदत चंदा मामा जी विभिन्न प्रभा का ओ माय गॉड प्रकार प्रकार आपने देखा होगा कि लाइक एज अ ग्रोइंग अप यू थिंक एज अ सुपरस्टार ऑफ आपने देखा होगा मैं ग्रोइंग अप इसको नहीं नहीं मतलब 1.5 साल से तुमने देखा होगा मुझे He's already one, yeah. Next superstar भी मैं क्या बोलूँ, but I think he's one of the finest actors that we have in today's younger generation. And I think what I like about him is that he's very dedicated and nothing sort of affects his work. तो वो अगली फिल्म भी उतनी ही पैशन से करता है, उससे अगली फिल्म भी उतनी ही पैशन से करता है. सो आई थिंक दैट्स ग्रेट. थैंक्स अ लॉट. यू गॉट टू पे मी फॉर दिस? या ऑब्वियसली. ये भी फिल्म आती है बरेली की बर्फी. यस यस यस. जी अभी तक मैंने देखी नहीं है. ऑब्वियसली या मैंने भी नहीं देखी है. नहीं अगर पहले भी तो दिखा सकते हो मुझे, ऐसा भी तो हो सकता है. मैं खुद देख के फिर दिखाऊंगी. ऑलराइट. हां इंटेलिजेंट चॉइसेस मिलती मिल रही तो कम से कम इतना समय मिले कि सोच समझ के फिल्में कर रही थी. हमें मुझे मैं तो यही कहूँगा कि जब आप कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अच्छा लगता है तो फिर आप हमेशा सोच समझ के ही करेंगे, आप किसी और रीज़न की वजह से नहीं करेंगे. ठीक है अगर ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा फेम मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन ये रीज़न नहीं होना चाहिए किसी फिल्म करने के लिए. अगर आप अपना काम अच्छे से करते हैं तो ये दोनों बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, आपको मिल ही जाएंगे. Rubbing off. And I think this is one of the reasons why we are friends, because we have things in common. We have similar passions, both from Delhi. Both have done engineering. I dropped out. Thanks for saying it yourself. Before you do it. And she like me is a big foodie. So there are like many things. And also the passion that we have for films. And the thing that we have that we want to give in our 100% no matter what. So these things are the things that we like in each other and that's why we're friends. ये बंदी जो आपका निकला है ना ये बहुत दिल्ली था जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे. जी मैं निकल गया जी. मैं बहुत कुछ कर रहा था इंजीनियरिंग कॉलेज में, ये सिर्फ इंजीनियरिंग कर रही थी इसलिए. मैं मॉडलिंग भी कर रही थी. व्हाट डू यू मीन? हाँ बट आई थिंक सबकी अपनी जर्नी होती है आई फील, और सबकी अपनी चॉइसेस होती हैं, और आई फील अपने इंस्टिंक्ट्स पे जाना चाहिए. तो ही वेंट विद हिज इंस्टिंक्ट्स, आई वेंट विद माइन, एंड बोथ आर हियर, सो इट्स ओके. आई जस्ट डिडंट वांट टू गिव माय सेल्फ अ प्लान बी. मुझे ऐसा लगा कि कभी ऐसा ना लगे कि थिएटर कर रहे थे उस समय, और थिएटर में मज़ा बहुत आता है लेकिन पैसे को बहुत कम मिलते, तो मुझे लगा कि कभी ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि वापस इंजीनियरिंग की डिग्री तो है ही तो नौकरी कर लेते, तो लगा कि डिग्री लेते ही नहीं तो फिर ऐसा सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा. जी सोशल
थैंक यू। रिसेंटली देखा कि आप कुछ एक खबर से नाराज थे जब आपका जो फोटो मैं नाराज नहीं था, आई स्वेयर मैं बहुत ही ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं खुद वो फोटो देख के पहले डर गया कि ये इस इंटरव्यू में मैंने ऐसा रिएक्शन कब दिया था। कभी कभी ऐसा होता है जब मैं कुछ कोई चीज़ जो मैं बहुत पैशन के साथ बोल रहा होता तो मैं बहुत एनिमेटेड होता हूँ, कृति भी मुझे बोलती है तुम बहुत ज़्यादा हाथ वाथ हिलाते हो और मुँह हिलाते हो, ऐसे यहाँ खड़े होना पड़ता है, तो भी आप देख रहे होंगे मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को। लेकिन हाँ, वो फोटो देख के मुझे लगा कि ऐसा रिएक्शन मैंने शायद नहीं दिया। फिर मैंने पूरा वीडियो देखा और बहुत ही अच्छे से क्लोजली स्क्रूटिनाइज करके, लेकिन वो मुझे रिएक्शन नहीं मिला, लेकिन वो बहुत जाना जाना सा रिएक्शन था क्योंकि हाल में कुछ और भी हुआ था। तो मैंने आई फाउंड इट एंड इट वॉज एक्चुअली द सेम। तो फिर मैंने वो नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और उसके बाद उसको एडिट किया और फिर ट्वीट किया, बहुत मेहनत करी मैंने। आई थिंक आपको क्वेश्चन पूछ के आप ही को आंसर कर देना चाहिए यहाँ पर आकर। What are you doing? देखिए ये मैंने मांगाधीरा देखी हुई है और मुझे बहुत अच्छी लगती है वो फिल्म, और मैं राजा मौली सर का बहुत बड़ा फैन भी हूँ, और मैंने ये स्क्रिप्ट भी पढ़ी है। जो ये रीइंकार्नेशन की स्टोरी है, ये इस पर बहुत सारी फिल्में बनी है और बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में बनी है, जैसे मधुमती देखी है मैंने, लेकिन मैंने करण अर्जुन देखी है, ओम शांति ओम कर्ज जी। तो ये रीइंकार्नेशन के आइडिया पे बहुत सारी स्टोरीज बनी और अच्छी अच्छी स्टोरीज बनी है। मुझे लगता है कि हमारी स्टोरी भी बहुत ही एंगेजिंग है और अलग है, लेकिन बस ये एंगल सेम। आई थिंक इट्स रीइंकार्नेशन ऑफ रीइंकार्नेशन, आई थिंक इट्स अ मॉडर्न टेक, एंड आई एम रियली श्योर डीनू, अगर हम लोग जो स्क्रिप्ट थी हमारे पास, अगर हमने वो फिल्म बनाई है, तो एक दिन अगर राजा मौली सर भी ये फिल्म देखेंगे तो उनको भी बहुत अच्छी लगेगी और उनको बिल्कुल भी याद नहीं आएगी मगधी रखे। इनके साथ तो मैं आई थिंक आपके साथ एक अलग से हमको खड़े होके इंटरव्यू करना चाहिए। पलटू आई कम आउट ऑफ व्हेन यू से समथिंग एल्स, ऑफ कैमरा से ऑल दिस। ये सवाल मेरे लिए नहीं, उनके लिए। आपको क्या लगता है, आप ऐसे काम ये काम ही है, बहुत बोलती हूँ। आप सबको रमजान मुबारक और बहुत हम सब की तरफ से 9 जून को हम सब की, या ये कैन यू प्लीज कम हियर, प्लीज कम स्टैंड हियर, मेरे कृति दिनेश वजन और ये राबता की टीम की तरफ से आप सबको रमजान की बहुत 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 शुभकामनाएं। हाँ अच्छा, अब आप इस बोले सुशांत बोलेगा स्माइल करते हुए, मैं स्माइल कर रहा हूं, हम तीनों और राबता की पूरी टीम की तरफ से आप सबको रमजान की बहुत बहुत शुभकामनाएं, रमजान मुबारक। Thank you.